अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर YouTube चैनल एससी लर्निंग। आज के स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इमेज को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो लैपटॉप के ऊपर प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे होते हैं और लैपटॉप पे अपना जो है वो ऑनलाइन पेपर के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से काफी इश्यूज आ रहे होते हैं। आपकी जो इमेज है वो रिसाइज नहीं होती, तो बार बार आपको यही एरर आ रहा होता है कि आपकी इमेज जो है वो रिक्वायर्ड डायमेंशन के अंदर नहीं है। तो इंतहाई सिंपल वे के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, और एक तो मैं आपको लैपटॉप पे इसको रिसाइज करना बताऊंगा, दूसरा मैं आपको एक दो और तरीके बताऊंगा। अगर आप इस तरीके को नहीं अपनाना चाहते तो आप उन तरीकों को अपना कर भी इस इमेज को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जहां भी आपकी इमेज पड़ी, सबसे पहले उस इमेज के ऊपर जाए, उसके ऊपर क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपने उसको ओपन विथ पे क्लिक करना है। ओपन विथ में आप उसको पेंट के ऊपर ओपन कर लें। जैसे आप उस इमेज को पेंट के ऊपर ओपन करेंगे तो वो इमेज आपके सामने यहाँ पेंट पर जो है वो ओपन हो चुकी हुई हमारे सामने इमेज। इस इमेज की अब हमने डायमेंशन जो है वो चेंज करनी है और इस इमेज को जो हमने रीसाइज करना है। ये इमेज हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आपको इमेज का जो है वो एक ग्रुप नजर आएगा। इस इमेज के ग्रुप के ऊपर यहाँ पे आपको रीसाइज शो होगा। रीसाइज पर क्लिक करने के बाद आपने पिक्सल पे जाना है। वहां पर आपने हॉरिजॉन्टल में जो डायमेंशन है वो लिखनी है, वर्टिकल में जो डायमेंशन है वो लिखनी है। उससे पहले आपने इस बॉक्स को अनचेक करना। बॉक्स को अनचेक करने के बाद यहाँ पर आपने जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन थी 190 और जो वर्टिकल डायमेंशन थी 250 वो आपने यहाँ पर दे देनी है। जैसे ही आप ओके करेंगे ये इमेज ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाएगी और श्रिंक हो जाएगी। देखिए इस टाइम हमारे सामने ये इमेज जो मेरे यूट्यूब चैनल का लोगो है वो आपके सामने यहाँ पर श्रिंक हो चुका हुआ है और हमें यहाँ पर जो है वो छोटा होकर नजर आ रहा है। तो ये आपकी इमेज सेव हो चुकी हुई है। आप इसको यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में सेव एज पे जाएंगे। जैसे आप सेव एज पे जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको किस में सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको जेपीजी में सेव करना चाहते हैं। जैसे आप जेपीजी पे क्लिक करेंगे तो इमेज आपकी ऑटोमेटिकली जेपीजी में सेव हो जाएगी उसी जगह पे जहाँ पे इमेज पहले पड़ी होगी, या आप किसी और जगह पे सेव करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर सेव एज में जाकर सेव हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल वे है। इसी तरीके से आप अपनी इमेज को रिड्यूस करेंगे, इसी तरीके से आप अपनी जो है पिक्चर को भी सिग्नेचर जो है आपके उसको भी आप रिड्यूस करेंगे और लाकर यहाँ पे उसको रिसाइज कर लेंगे और यहाँ पे साइज में जाके पिक्सल में जाके अपने जो सिग्नेचर है उसको भी यहाँ पे लाकर आप रिसाइज कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप इस पर नहीं करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल पे करना चाहते हैं तो मोबाइल पे आप प्ले स्टोर पर जाकर लिखेंगे रिड्यूस इमेज ऐप, वो ऐप आपके पास आ जाएगी। उसमें भी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन दिए होंगे, इसी तरह उसके ऊपर आपने जाना है और वहां पे अपनी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन पुट करनी है, आपकी इमेज ऑटोमेटिकली रिसाइज होगी। इसके अलावा आप गूगल के ऊपर जाके लिख सकते हैं ऑनलाइन रिड्यूस इमेज वेबसाइट, वो आपके पास आ जाएगी। वहां पर वो आपको बताएगा कि आप इमेज लें, आप इमेज वहां पे इंसर्ट करेंगे, उसके बाद वहां पे भी नीचे ये ऑप्शन आ जाएगी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन पुट करें। आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन पुट करेंगे, सेव करेंगे तो वो इमेज आपके पास ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगी। तो ये सबसे सिंपल वे था इमेज को रिसाइज करने का। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को ज्यादा दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि इमेज कैसे रिसाइज करनी है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अल्लाह।